अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेज़बान रशीद आलम अल हफीज़ी। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के साबिका एमपी व साबिका रुकन असम्बली खानापुर रमेश राठौड़ ने आज तहलका न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद रफ़ी बाबा से बातचीत करते हुए बताया कि टीआरएस पार्टी मामूल वसूली की खुली दुकान है, और इस हुकूमत में आवाम के साथ साथ पार्टी कायदीन को भी धोखा मिला है। के चंद्रशेखर राव मुझसे वादा करके मुकर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुकामी गैर मुकामी में फ़र्क नहीं देखा। अब आवाम खानापुर से गैर मुकामी को शिकस्त देगी। उन्होंने हमारे नुमाइंदे के सवाल पर कहा कि वो कांग्रेस या कोई पार्टी से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने नफ़ी में जवाब देते हुए कहा कि वो 15 तारीख के बाद इसका कतई तौर पर ऐलान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अवाम में मिलजुल कर काम कर रहा हूं, और मुझे तवक्को है कि अवाम गैर मुकामी के सामने मुझे तरजीह देगी, और मेरा खानापुर असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब होकर रहेगा। ये खानापुर से मोहम्मद रफ़ी बाबा की खसूसी रिपोर्ट के साथ तहलका न्यूज़ 7 उर्दू इंडिया। नॉन लोकल हटाओ, खानापुर बचाओ, हमारा वोट हमारी सीट, इस तरह हम जाने के लिए। अभी कोई पार्टी का निर्णय नहीं लिया। खड़े रहना है, जितना है। खानापुर एमएलए बनना है। खानापुर की जनता का जो सोच है, जो उनकी अच्छे बुरे में हम आगे बढ़ के सारे लोगों के अच्छे बुरे में काम आना, काम करना, यही हमारा निश्चित विचार है। और एक बात, अभी जो फिलहाल जो आप जो चाहने वाले ना उम्मीद हो के आप कांग्रेस से खड़े हो के थोड़ा पब्लिक टॉक है, उसके बाद अभी तक हम वो कोई सोचे नहीं। कांग्रेस से खड़े, टीआरएस से ले लो, और कोई पार्टी से सोचे, वो सोचे ही नहीं, वो विचार भी नहीं है। पूरे सारे लोग बात किए 12-13 तारीख के बाद, एक बार सारे मिल के बात करके क्या करना है, किस तरह से जाना है, और हमारी यहाँ का आवाम क्या बोलती है, वो हिसाब से निर्णय लेंगे। आप 2 साल से आप टीआरएस के लिए काम करें, और केसीआर साहब आपको ये कर दिए, आप फिर वक्त आपका स्टेप इंडिपेंडेंट या मेरा स्टेप एक ही है, मैं एमएलए बनना है, जीतना है, और नॉन लोकल को भगाना है, और यहाँ का स्वाभिमान बढ़ा के दिखाना है। हमें इन्वाइट किया था पार्टी में आने के लिए, और हर इसमें परसेंटेज, हर इसमें डराना क्यों, खानापुर में कोई बंदा एमएलए का खबर नहीं है, है? हम रात दिन जनता में रहते, अच्छे बुरे में देखते, और लोगों छोटे बड़े लोगों को मिल के रहते, ये लोग आके धमकी दे के वसूली करके वैसे लोगों को टिकट दिए, बोले तो हमारा वोट हमारी सीट, इस तरह हम जाने के लिए कल सारे जो बंदे आए थे उनसे मिलके एक निर्णय किया। एमएलए खानापुर जीतना है, खानापुर हमारी जागीरी है, हम खानापुर के एमएलए बन के हमारे लोगों के खानापुर एमएलए बनना है। खानापुर की जनता का जो सोच है, जो उनकी अच्छे बुरे में हम आगे बढ़ के सारे लोगों के अच्छे बुरे में कहना है, मैं एमएलए बनना है, जीतना है, और नॉन लोकल को भगाना है, और यहाँ का